हाँ हाँ सलमान नहीं है फिल्म में, ये मैं आपको बता सकता हूँ. विकी इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ संजू के कई फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ का एक तरह से मिश्रण है, और एक स्पेसिफिकली एक संजू के बहुत ही अजीज दोस्त हैं जो यूएसए में रहते हैं, उनका नाम है परेश. मेजॉरिटी ऑफ हिज कैरेक्टर ट्रेट्स, हिज पर्सनैलिटी इज फ्रॉम परेश's लाइफ. चेक चेक, ये ठीक है? हेलो, चेक चेक चेक, आ रहा है? ओके, आई थिंक मैंने ये पहले भी कहा है, क्योंकि मैं एक साल से अभी संजू सर के बारे में बहुत बातें कर रहा हूँ. मुझे, मैं छोटा था, यू नो, मेरे कबर्ड के वॉल पे संजू सर का पोस्टर था, एंड नाउ टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू आई एम इन हिज शूज, यू नो, लुकिंग एट यू, ट्राइंग टू रिप्रेजेंट हिम. एंड आई थिंक इन माई लाइफ आई रियली वॉन्ट संजू सर टू लाइक मी. आई नो आई कैन नेवर बी द मैन ही इज़, आई कैन नेवर बी द पर्सन ही इज़, but in every which way that I go about in my career as a person, even through this film, I really want Sanju sir to like me, because I feel that he's a man that I respect a lot. I really look up to him, and I really hope that he feels that I have represented his life in a very honest and true way. Aap sab ki tarah main bhi unki filmein dekhkar bada hua hu, aur mujhe abhi bhi yaad hai kyunki hamare ghar pe abhi bhi ek tasveer hai jahan पापा बिफोर बिकमिंग एन एक्शन डायरेक्टर एज ए स्टंटमैन संजू सर के बॉडी डबल थे इन वन ऑफ हिज फिल्म्स. सो अभी भी मेरे पास एक तस्वीर है जहां उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ है एंड बिटवीन शॉट्स मट्टी में है और सब कुछ, वो तस्वीर मुझे अभी भी याद है. सो फॉर नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स मुझे उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा प्ले करने का जो मौका मिला है, इट फील्स ट्रूली स्पेशल. आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला. सो थैंक यू राजू सर, थैंक यू विनोद सर, मुझे ये मौका. श्याम जी इज हियर, विकीज डैड इज हियर. सर, एक मिनट फॉर श्याम कौशल सर, वन ऑफ द टॉप Sun directors in the country. I just wanted to work with Raju sir, so I said yes to the film. It was as easy as that, and I wanted to be a part of Vinod uncle's any films that he makes, and so anything. स्टेज पे अच्छे खासे शेव करके आए, इतना गुड लुकिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए यार. I just wanted to be a part. I've wanted to be a part of his production, and whatever films he's going to offer to me, I'll always say yes. So, so for the next 1 year, I'll be standing on stage with them only. So I'm very happy to be here, and I'm very happy to work with Ranbir after 10 years. The Baba that I know is all heart, and maine 3-4 filmen ki unke saath. He's always been like a prankster, happy, all heart kind of a person. And I'm really looking forward to seeing this film, because there's many aspects of his life that I don't know, I didn't know. So I'm keen to watch this movie. देखिए, संजू को असल में जब वो संजू पहली बार जेल गया था, मैं उसको जानता नहीं था, तो उस वक्त अगर आपको याद हो, इन सबको याद होगा जो बैठे हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था. तो मैं संजू को जानता नहीं था, मैं उनके घर गया और मैंने एक फिल्म अनाउंस की, और मुझे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, इंडस्ट्री ने ही ब्लैकलिस्ट किया. तो वो फिल्म हमने अनाउंस की, फिर जब संजू जेल से निकला तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो कहता कि मैं फिल्म बनाऊँगा आपके साथ. मैंने कहा भैया मेरी तो फिल्म है ही नहीं. उनका आपने तो अनाउंस किया. मैंने कहा यार वो तो मैं I took a stand, because till you are proved guilty, till anybody is proved guilty, he is innocent. तो उसको थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, फिर वो घर आया. और that's the first time I met him. And he said that we'll work together. मैंने कहा not now, it was just a stand I took. Then we worked with him for many films like Mission Kashmir, Eklavya, Munna Bhai. So Sanju is like a part of our life. मगर जो important बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये फिल्म की कहानी सुनी, जब मुझे अभिजात जोशी और राजू ने सुनाई, तो जिस संजू को मैं जानता था, मुझे लगा कि मैं संजू को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये कहानी जो है, और सच कहानी है, ये इतनी आगे है उस संजय से जो मैं 20 साल से 15 साल से जानता हूँ, कि इट्स अनबिलीवेबल. और ये मेरा संजू के साथ. दिया, हेलो, मेरा सवाल रणवीर जी से है, यहाँ पे फर्स्ट सीट
मुझे अक्षय खन्ना साहब का आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर, मुझे कुछ 5 या 6 जनवरी को उनका SMS आता 2017 में, बट देयर इज अ स्क्रिप्ट कमिंग योर वे और ऐसा स्पिरिचुअल राइटिंग उन्होंने कहा मैंने कहीं देखा नहीं है. बाद में मैं मिला, मुझे बुलाया गया, मैं मिला, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बात बिल्कुल सही थी कि इतना स्पिरिचुअल राइटिंग हिंदी सिनेमा में कभी हुआ नहीं है. ज़बरदस्त स्क्रिप्ट थी एंड मुझे राजू हिरानी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, मुझे माय फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी. तो विनोद भाई विल अग्री टू इट, मैंने पैसे की भी बात नहीं की. एंड आई एम इन दिस फिल्म और मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ही लकी आदमी हूँ कि मुझे ऐसी फिल्म मिली है, ऐसा किरदार करने को मिला उस बंदे का, कि जिस बंदे को मैं बिल्कुल तहे दिल से इज्जत करता हूँ उनकी. और ऐसा इंसान, मैं ये शायद कहूँगा कि थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन मैंने मदर टेरेसा को तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने दत्त साहब को देखा है. ऐसे इंसान थे. हेलो, मेरा सवाल रणबीर कपूर जी से है. सारे लोग उसका सवाल ही नहीं खत्म हुआ, उसने बड़ा लंबा सवाल पूछा है एक आदमी ने. उसने सबको एक ही में ले लिया. सो कैल क्विकली सेड, मेरे लिए एज फिल्म मेकर्स हम सब ग्रीडी होते हैं कि ऐसा कोई कंटेंट मिले जो बहुत इंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो, लोगों को हंसाए रुलाए. सो जब संजू से मैंने उनकी कहानी सुनी, तो एक कहानी तो जो है जो आप सबको पता है, काफ़ी प्रेस में उनके बारे में काफ़ी लिखा जा चुका है, सब एक कहानी जानते हैं. पर मैंने जो एक कहानी सुनी जिसमें एक फादर सन की स्टोरी थी और एक दोस्ती की कहानी थी. सो इसेंशियली ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं कहीं पढ़े होंगे. आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बाप बेटे की कहानी है और एक दोस्ती की कहानी है. और हमने पूरी ईमानदारी से कही है, यानी जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है. सो फॉर मी इट वॉज ग्रेट टू गेट अ ग्रेट स्टोरी.